हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज है ट्यूसडे, कुकी स्कूल चला गया है, मैं अपनी वॉक से वापस आ गई हूँ और अभी घर का सारा काम बाकी है, तो पहले उसको निपटा लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ में बात करती हूँ। अब मैं आ गई खाना बनाने के लिए और आज मैं बना रही हूँ आलू और परवल की सब्जी। पहले तेल में आलू और परवल डाल ली, उसके बाद नमक, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। पहले दूसरे साइड में ये जो पोई की पत्ते जो मैंने कल बनाई थी उसकी करी, तो उसकी बहुत सारे पत्तियाँ रह गई थी, तो उसको आज मैं एक कटलेट टाइप का बनाऊँगी। पहले मैं इसको अच्छी तरह से धो लेती हूँ। दूसरे साइड में परवल और आलू अच्छी तरह से मेरी फ्राई हो चुकी है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। पहले तेल में जीरा डाली, फिर डालूँगी कटी हुई प्याज। प्याज को अच्छे तरह से पकाऊँगी सॉफ्ट होने तक। अभी मैं डाल दी अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट। मसाला अच्छी तरह से यहाँ पर हो गया है। अब मैं डाल रही हूँ टमाटर और उसके बाद डालूँगी जो भी बेसिक मसाला है। राइस के साथ खाने के लिए मेरी दाल और करी बनकर रेडी है और अब मैं बना रही हूँ ये जो पोई के पत्ते का कटलेट। हम लोग उड़िया में इसको कहते हैं कि पोई पत्र पिट्ठू। इसको मैं पहले काट के ले ली। हमेशा इसी तरह छोटी छोटी आदत को डाल देना चाहिए ताकि हमारी किचन यूटिलिटी जो भी सामान हो हमेशा क्लीन रहे। इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी नमक, धनिया पाउडर, थोड़ी सी जीरा। अब इसमें डाल रही हूँ एक पेस्ट जो कि मैं बनाया है, राइस फ्लावर, बेसन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सूखी मिर्च और थोड़ी सी नमक। बस इसको मैं अच्छी तरह से इससे मिला लूँगी। कभी कभी मैं इसमें बॉयल आलू और प्याज डाल के बनाती हूँ, लेकिन आज सिंपल बना रही हूँ। इसको आप इस तरह भी बना सकते हो, शैलो फ्राई करके, या फिर डीप फ्राई भी कर सकते हो, जैसे कि पकौड़े हम लोग तलते हैं उसी तरह भी आप कर सकते हो। जैसे भी बनाओ, ये वाला जो पत्ता है तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और ये गर्मा गर्म खाने में ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं इतना ही बनाऊँगी, बाकी मैं कुकी के आने के बाद हम जो माँ बेटे खाएँगे तभी मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर अभी मेरा सिंपल सा उड़िया मेनू बनकर रेडी हो गया खाने के लिए। अब बना रही हूँ मैं सूजी का हलवा ये टिफिन लेने के लिए।
अभी टाइम बज गई है 10, आज तो मेरे काम ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहा है। और ये देखिए हमारी बेड की हालत क्या हुआ है, अभी कल रात से ये टूटा पड़ा है। हम सब लोग नीचे सोए थे, इस साइड में मैं और कुकी सोए थे और ये वाले साइड में ये सोए थे। पता नहीं आज मैं काम पर लेट हो गई कि इतनी लेट में चल रही हूँ आज। इस टाइम पे तो मैं अपनी पूजा भी ख़त्म कर लेती हूँ, तो अभी सारे गद्दे को उठाना बाकी है। टाइम बज रहा है 11 और बाहर चल रहा है बारिश। ये देखिए मेरे घर के पास एक मंदिर है, वहाँ पर पूजा चल रही है। 3 दिन, आज को मिलाकर 3 दिन हो गया है। महाभारत की कुछ कथा पढ़ा जा रहा है शायद। महाभारत नहीं, क्या बोलते हैं, भागवत, मैंने गलत बोल दी। भागवत का जो किताब होता है वो वाले किताब को पढ़ा जा रहा है। आज 3 दिन हो गया है और मैं अभी खाने जा रही हूँ। जो हलवा मैंने बनाई थी थोड़ी सी बच गई थी, उसको मैं अभी खा रही हूँ। चीनी कम है। बारिश धीरे धीरे बढ़ रही है। फाइनली यहाँ पर हमारी बेड ठीक हो गई है। आज रात इसमें चैन भरी नींद माँ बेटे सोएंगे। खाना अब तक नहीं खाए हैं, अभी बज गए हैं 11, तो जा रहे हैं खाना खाने के लिए। सो मैं अपनी वीडियो को एम पे एंड करती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय। क्योंकि काम पे लगा है अभी, छोड़ दो छोड़ दो।